नृत्य खामोशी की आवाज है। इसका वास्ता सिर्फ लय ताल और भाव से ही नहीं, संवेदनाओं से भी है। जब इसे कोई आत्मसात कर लेता है तो ये मानवीयता की जुबां हो जाती है। भरतनाट्यम नृत्यांगना गीता चंद्रन ने हाल ही में कुछ ऐसा ही प्रयत्न किया। जिस तरह का वातावरण हमारे चारों ओर है, उससे हम बहुत ही अलग अपने आप को नहीं रख सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने पिछले हफ्ते ही रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए एक प्रोग्राम किया था। तो आई थिंक द करंट जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट आर वेरी अवेयर। राजधानी में आयोजित इस नृत्य कार्यक्रम का उद्देश्य था मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए धन एकत्र करना। ऐसे सदुद्देश्य कार्यों के लिए किसी कलाकार को अपना प्रदर्शन करना क्यों ना अच्छा लगेगा। इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी ब्लेस्ड दैट वन इज नॉर्मल एंड वन इज बीइंग एबल टू डू समथिंग एंड द सेकंड थिंग इज माय हार्ट गोज आउट टू एंड आई थिंक वी शुड गिव देम ग्रेट करेज to be independent, to work for themselves, and parents who are coping with the stress and strain. गीता चंद्रन की इस प्रस्तुति को दर्शकों का, खासकर विकलांगों का भरपूर प्यार मिला। बड़े उद्देश्य के लिए किए जाने वाले ऐसे प्रयास में असफलता की गुंजाइश कहाँ? ये सुरीली आवाज़ 50 से भी अधिक वर्षों से देशवासियों की आत्मा में रची बसी है। मालवा की मिठास लिए ये आवाज़ है लता मंगेशकर की। मैं अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हूँ, वही वही एटमॉस्फेयर, वही सारे म्यूजिशंस। गाना रिकॉर्ड होता था, 100 म्यूजिशंस बैठे हैं, साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। आर डी बर्मन या एस डी बर्मन, उनके गाने अलग अलग स्टाइल, गाते वक्त भी अच्छा लगता था। अब वो सब मैं मिस करती हूँ। पिछले दिनों HMB ने लता मंगेशकर को पद्म विभूषण मिलने की खुशी में मुंबई में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। इसमें फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल हुईं। इनकी जो आवाज़ है वो आने हजारों सालों तक, जितने भी साल आने वाले हैं, ये आवाज़ गूंजती रहेगी, क्योंकि ये आवाज़ फिर पैदा नहीं होगी। समारोह में एक ओर जहां नई पीढ़ी के कलाकार लता जी का साथ पाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वहीं इस महान कलाकार के समकालीन उनके साथ तय किए सफर को याद कर रहे थे। ये कमाल की बात है, उनके साथ जब जब मैंने गाना गाया मैं अपने लाइन भूल जाता था। वो इतना परफेक्शन, एक इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, परफेक्शन पर्सोनिफाइड, दैट इज व्हाट लता इज, पर्सोनिफाइड हैं वो। और ये मैंने पहले ही कहा कि सिंगिंग फ्रेटर्निटी जितने हैं ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, लता के गाने सुन सुन के बहुत गाने वाले बन गए। लता जी ने 14 भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गीत गाए हैं। ये आज भी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी आवाज़, उनकी गायकी, उससे भी बढ़कर हुए स्वयं हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। सुबह सवेरे मुंबई ब्यूरो के साथ मैं कुमार गिरीश।